अगली खबर इंदौर से है। इंदौर का जो पंच स्वच्छता के मामले में लगा, उसके बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस अब निगम के सफाई कर्मियों का सम्मान करने जा रही है, उन्हें दाल बाफले की पार्टी देने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस के इस कदम को लेकर बीजेपी अब तंज भी कस रही है। सफाई में इंदौर का पंच, सफलता पर सियासत का प्रपंच। कांग्रेस खिलाएगी दाल बाफले, कांग्रेस की ट्रीट पर बीजेपी का तंज। स्वच्छ भारत मिशन में इंदौर ने एक बार फिर से अपने झंडे गाड़ते हुए लगातार पांचवी बार देश में नंबर वन का खिताब हासिल किया है। एक तरफ जहां शहर में जश्न का माहौल नजर आ रहा है, तो वहीं अब सफाई के मामले को लेकर इंदौर में सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होना है, लिहाजा इस मसले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। कांग्रेस इंदौर की सफलता का श्रेय निगम के सफाई कर्मचारियों को दे रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला निगम के सफाई कर्मियों का सम्मान भी करने जा रहे हैं। विधायक संजय शुक्ला निगम कर्मचारियों को 500 की प्रोत्साहन राशि देंगे, साथ ही निगम के सफाई कर्मचारियों को दाल बाफले की पार्टी का निमंत्रण भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन सफाई कर्मियों के लिए कांग्रेस ने शिवराज सरकार से 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी मांग की है। हमारे इंदौर के जो कर्मचारी सफाई, हमारे सफाई कर्मचारी हमारे भाई लोग हैं, जो लगातार रात दिन मेहनत करते हैं, भले ठंड हो या बरसात हो या गर्मी हो या कोरोना हो, तो उन लोगों का सम्मान हम करने जा रहे हैं जिन्होंने इंदौर शहर के लिए सफाई के लिए रात दिन मेहनत करी। उन सबको दाल बाफला खिलाऊंगा, सम्मान करूंगा, बाकायदा मंच पर बुलाऊंगा और प्रोत्साहन रूप 500 रुपये हर जो कर्मचारी उनको दूंगा। और साथ में ये भी निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय कमलनाथ जी ने जो इंदौर शहर के जितने कर्मचारी जब तीसरी बार नंबर वन आया था तो सबको 5,000 रुपये दिए थे, तो मैं मुख्यमंत्री जी मांग करूंगा कि इंदौर के जितने सफाई कर्मचारी और अधिकारी लोग सबको 5,000 रुपये, 10,000 रुपये देना चाहिए। इधर बीजेपी ने भी कांग्रेस विधायक की इस पहल को लेकर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस विधायक सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका ढोल ना पीटा जाए। अब कुछ कांग्रेस के मित्र उनका सम्मान करना चाहते हैं, हम उनको साधुवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि 500 रुपए की राशि भी संभवतः, ऐसा किसी विधायक जी ने कहा है कि नगद रूप से पारितोषिक के रूप में भेंट करी जाएगी, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। पर इतनी बड़ी ये जो दानशीलता बताई जा रही है, इस दानशीलता का ढोल हो जाने के बाद पीटा जाता तो ज़्यादा अच्छा था। 500 रुपए में आप सफाई मित्रों की जो खुददारी और स्वाभिमान है उसके साथ कितनी बार खेलेंगे। सफाई के मामले में इंदौर लगातार देश भर में मिसाल पेश कर रहा है, वो अब दूसरे शहरों के लिए प्रेरणा बन चुका है। लेकिन निगम चुनाव की आहट को देखते हुए इस मसले पर जो सियासत शुरू हुई है, वो कहां जाकर खत्म होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।